नमस्कार, मैं हूं दिबांग। 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि कोरोना वायरस के खिलाफ देश में 3-3 वैक्सीन बनाने का काम अलग अलग चरणों में है। तब से देश भर में वैक्सीन को लेकर चर्चा गर्मा गई है। कौन सी हैं ये 3 वैक्सीन, देश में कहां तक पहुंचा है वैक्सीन बनाने का काम, भारत सरकार इसमें क्या कर रही है और 225 रुपए वाली वैक्सीन किसको मिलेगी, आज पूरी बात। वैक्सीन बनाने की दौड़ में सबसे ज्यादा उम्मीदें और सबसे आगे चल रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। भारत में इसका उत्पादन होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में। और अब एक बड़ी खबर जो आज मुझे बताई SII के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश यादव ने। उनका कहना है कि अगले हफ्ते से इस वैक्सीन का भारत में तीसरे और अंतिम चरण का ट्रायल शुरू होगा। ये एक बड़ी बात है। SII को उम्मीद है कि तब तक उसे एथिक्स कमिटी और दूसरी क्लियरेंसेस मिल जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण बात, 3.5 से 4 महीने के बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट मिलते ही इसका उत्पादन SII में शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर देश में 17 जगहों पर 11,000 लोग इस ट्रायल में हिस्सा लेंगे। इनमें शामिल हैं मुंबई, दिल्ली, पुणे, जोधपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, विशाखापट्टनम, गोरखपुर और वर्धा जैसे शहर। यानी दिसंबर तक भारत में बनने लगेगी कोरोना के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। SII के डॉक्टर सुरेश यादव ने मुझे बताया कि SII, इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस गावी और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके मुताबिक SII गावी को 10 करोड़ वैक्सीन बनाकर देगी। कीमत होगी 225 रुपए। गावी ये वैक्सीन दुनिया भर में कम और मध्यम आय वाले देशों को भेजेगी। यानी कुल मिलाकर 5 करोड़ लोगों का इससे फायदा होगा, क्योंकि एक व्यक्ति को 2 वैक्सीन की डोज लेनी होगी। ये जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि कई अखबारों में और न्यूज चैनल्स पर खबर चली कि भारत में सबको 225 रुपए में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन मिलेगी। सिर्फ 5 करोड़ वैक्सीन SII बना रहा है जो गावी को देगा, गावी उसे 70 देशों में बांटेगी। डॉक्टर यादव ने मुझे बताया कि भारत सरकार ने अब तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को वैक्सीन के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया है। उनका कहना है कि सरकार के पास कई ऑप्शन है, सबको देखने के बाद ही सरकार अपना फैसला लेगी। इस बारे में सरकार के बड़े अधिकारी क्या कहते हैं बताऊंगा आगे, उनसे भी मेरी बात हुई। SII का कहना है कि वो भारत सरकार के लिए अलग से वैक्सीन की कीमत तय करेगी, जो कि पिछली बताई गई कीमत यानी 1,000 रुपए से कम होगी। SII अब महीने में वैक्सीन की 20 करोड़ डोज बना सकेगी। दूसरे नंबर पर है जाइडस कैडिला की वैक्सीन। इसे जुलाई में अनुमति मिली, इसका फेज 1 पूरा हो चुका है। फेज 1 में इसे सुरक्षित पाया गया। अब होगा फेज 2, जिसमें देखा जाएगा कि इम्यून सिस्टम को कहां तक बढ़ा पाती है। 1,000 वॉलंटियर्स पर इसका ट्रायल होगा और उम्मीद की जा रही है कि फरवरी मार्च 2021 तक ये बनकर तैयार हो जाएगी। जाइडस कैडिला इसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक भारत सरकार के नेशनल बायोफार्मा मिशन के सहयोग से बना रही है। और अब भारत बायोटेक और ICMR की बहुचर्चित को वैक्सीन, इसके पहले दौर के ट्रायल चल रहे हैं। 12 जगहों पर 375 वॉलंटियर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब तक पाया गया है कि ये वैक्सीन सुरक्षित है, इसकी दूसरी डोज दी जा रही है और जल्द ही ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे ये देखने के लिए कि इम्यून सिस्टम को ये कहां तक बढ़ा पाती है। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के आखिर तक इसका फेज 1 पूरा होगा और सितंबर में शुरू होगा इसका फेज 2।
कोरोना वैक्सीन पर आज सरकार के बड़े अधिकारियों और वैक्सीन बनाने में जुटी फार्मा कंपनियों के प्रमुखों की एक बैठक हुई। सरकार ने वैक्सीन बनाने में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी ली और जानना चाहा कि उनकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं। सरकार के सूत्रों का कहना है कि चूंकि वैक्सीन बहुत कम समय में बन रही है, कई जगह तो फेज 1, फेज 2 और फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल एक साथ हो रहे हैं, इसलिए सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर है कि वैक्सीन सुरक्षित हो और कारगर हो। सरकार के सूत्रों ने यह भी बताया कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के बारे में मॉस्को में भारत के राजदूत ने गमलाया इंस्टीट्यूट से जानकारी मांगी है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि ये जानकारी अब तक WHO के पास भी नहीं है। COVID-19 वैक्सीन के बारे में आप और कोई जानकारी चाहते हो तो जरूर मैसेज बॉक्स में अपना सवाल लिखें, अपने संदेश लिखें। आपके ढेरों संदेश आते हैं, मैं उनको पढ़ता हूं, उनके जवाब भी देता हूं, वो भी देखिएगा। और आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं, वहां मैं ज्यादा होता हूं ट्विटर पर। ABP News आपको रखे आगे।